दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोवा जाने की तैयारी कर रहे थे कि इसी बीच ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चौथा समन जारी कर दिया। उनसे कहा गया है कि वो 18 जनवरी को ईडी मुख्यालय में पेश हों। इससे पहले ईडी उन्हें 3 बार समन जारी कर चुकी है। तीनों बार केजरीवाल ये कहते हुए पेश नहीं हुए कि समन अवैध है, राजनीति से प्रेरित है। केजरीवाल ने नोटिस के बदले ईडी को हर बार पत्र लिखकर पूछा कि ईडी उनसे क्या पूछताछ करना चाहती है। ईडी मुख्यालय उनके कई लिखित जवाब तो आए, लेकिन वो खुद नहीं पहुंचे। ऐसे में सवाल ये कि ईडी आगे क्या कदम उठाएगी। कानून के मुताबिक अगर तीसरे नोटिस के बाद भी कोई पेश नहीं होता तो ईडी कोर्ट जा सकती है, कोर्ट से गैर जमानती वारंट हासिल कर सकती है और उस शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर सकती है, या फिर सीधे पीएमएलए के तहत किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन यहाँ मामला एक मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है, इसलिए ईडी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहती। केजरीवाल से शराब घोटाले में सीबीआई पिछले साल 16 अप्रैल को 56 सवाल पूछ चुकी है। केजरीवाल का नाम कुछ आरोपियों और गवाहों के बयानों में आया था, जिसका जिक्र सीबीआई और ईडी की चार्जशीट और रिमांड नोट में भी है। आरोप है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी और इस मामले के आरोपी विजय नायर ने अपने मोबाइल से फेस टाइम ऐप के जरिए शराब कारोबारी समीर महेंद्रू से बात करवाई। तब केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर अपना बच्चा है, उस पर विश्वास करें और सहयोग करें। साउथ लिकर लॉबी से गवाह राघव मगुंटा ने बताया कि उसकी पिता ने शराब पॉलिसी को लेकर अरविंद केजरीवाल से बात की और केजरीवाल ने दिल्ली के शराब कारोबार में उनका स्वागत किया था। मनीष सिसोदिया के पूर्व सचिव सी अरविंद ने बताया कि 7 दिसंबर 2022 को अरविंद केजरीवाल के आवास पर एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी शामिल थे। इस मीटिंग में उन्हें एक ड्राफ्ट GOM रिपोर्ट मिली। इसी डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्हें एक GOM रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया। इस रिपोर्ट में शराब का थोक कारोबार निजी लोगों को देने की बात कही गई थी। ये डॉक्यूमेंट उन्होंने पहली बार देखा था, क्योंकि GOM की किसी मीटिंग में इस प्रपोजल की चर्चा नहीं हुई थी। साथ ही सी अरविंद ने बताया कि नई शराब पॉलिसी में प्रॉफिट मार्जिन 6% से बढ़ाकर 12% किया गया। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई थी।